बहुत प्यार से बात किया, मेरे को छोड़ के चला गया, बहुत प्यार से बात किया, मेरे को छोड़ के चला गया। तो बचाने की काफी कोशिश की आप, लेकिन हम कैसे बचाते सर, आपके पास कैसे जाऊँ? वो जो लगा कारण के सामने, अगर आँख होता फिर भी सब जाते, लेकिन वो कारण किस कौन जाएगा? चिड़चिड़ चिड़चिड़ होकर पूरा सच कैसे जाऊंगी सर? देखिए ना मीटर घर देखिए, सीएस वो कितना बार फोन कर चुके हैं यहाँ पे, तो अगर ये जलेगा तो पूरा बस्ती जल जाएगा। मीटर घर देखिए, इसका गेट उट कुछ नहीं है, हरिया देखिए 3.5 लाख रुपया उसको दे के दुकान लिया, और बोल रहा है कि किसी को नहीं बोलना, 40,000 रुपया ही खाता में लिखा है सर, और जो 3.5 लाख रुपया लो नहीं लिखा, बगल से ऐसे ले रहा है, पैसा मेरे से हमको दो, किसी को नहीं बताना, सब कोई पूछ रहा है, मेरा बेटा नहीं है, सबको पॉकेट मार मार के खाता है, सबको जितना है हम लोग का इधर, टीएमसी पार्टी करता है, सब टीएमसी का है, सब टीएमसी का है, सीपीएम भी था, इतना कभी किसी को नहीं दुख दिया था। बंटी हल्दार की वाइफ से बात कर रहा हूँ, जो सुबह आज 9 बजे तकरीबन घटना हुई है, उस घटने में उसकी मौत हो जाती है, और आसपास और उनके जो वाइफ है उनका ये कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, जबकि पुलिस और दमकल का कहना है कि ये गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। तो पूरा वाकया के हालात जानने के लिए हम उनकी वाइफ से बात करेंगे, क्या हुआ था, आपको कब जानकारी मिली? हम वहाँ पर ही था सर, हम दुकान 4:30 बजे खोलते हैं, 4:30 बजे खोल के 8:30 बजे तक पूरा दुकान का काम फिनिशिंग करके हम दुकान का ऊपर से नीचे उतरा कि जूता पहन के हम तो काम करते हैं, काम पे जाएंगे, और उधर जो आप गए थे ना बाज़ार में, एक तो जो बॉक्स है उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जहाँ पे प्लाई बोर्ड लगा हुआ है उसमें छोटा छोटा एक तो ग्रीन कलर का तार और एक तो रेड कलर का तार छोटा छोटा उसमें हल्का हल्का जल रहा था, हल्का हल्का। मेरा आदमी हमको बोला, जब हम जूता पहन के नीचे उतरा तभी बोला मेरा आदमी, हटो हटो तुम, हटो तुम, हटो हटो, हम अपने आप को बचाने के लिए ऐसे किया, और मेरा हस्बैंड उसको देख के वो ऐसा हो गया, चमक गया पूरा देख के, वो भी बेचारी अपने जीवन को बचाने के लिए जल्दी बाहर आया, बाहर आने का कोशिश किया, तब तक जैसे मतलब जोर से कुछ नहीं हुआ, ऐसे चिड़चिड़ापन विद्युत जैसा चिड़चिड़ापन जाके पूरा उसको पकड़ लिया, और बेचारी सेकंड में, एक सेकंड में चला गया सर। क्या चीज़ का वो दुकान था? मेरा कचौड़ी का दुकान था। कितने साल से वो चला रहे थे? वो तो मेरा 1 महीना हुआ, और जो बगल में और एक दुकान है जिसका गेट उट कुछ नहीं है, वो मेरा किराए का था, 5,000 किराए का था मेरा दुकान, वो मेरा 7 साल से चल रहा था, और अभी रिसेंट 1 महीना हुआ मैं वो बगल वाला दुकान खरीदा जहाँ जल गया वो वाला, 1 ही महीना हुआ, और उसका बगल में जो लाइट पोस्ट है, हम लोग बाज़ार का जो बाज़ार में जो देखा सुना करता है उसको बोला है कि इसको हटाओ, मेरा गैस जलता है फिर ये भी जल जाता है, इसको हटाओ कि हम दुकानदारी करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बाई चांस किसी का कुछ हो जाएगा, वो बोलेगा हाँ आज कर देंगे, 1 तारीख को बोला शुक्रवार को कि इसको हटा दीजिए, बोला हाँ कल कर देंगे परसों। काउंसलर से आपकी कोई बातचीत हुई थी? सर मेरे मैम देखा भी नहीं उसको अभी तक, सुबह से हम उसको 1 ही बार भी नहीं देखा, आया ही नहीं काउंसिलर, कोई नहीं आया, कोई नहीं। काउंसिलर कौन है? यहाँ का काउंसिलर है संदीपन हाँ, और उसका पापा है सरनो कमल साहा। दुकान आप जब ने लिया था कितने रुपये दिए थे, और उस वक्त क्या बातचीत हुआ था? दुकान के लिए सरनो कमल साहा जी ने सबको बोला था, बाजार कॉमेडी का लोगों को जितना लोग है, कि 40,000 में सबका मतलब जो कुछ भी जहाँ भी बाजार का 40,000 रुपया दोगे सबको दुकान बना देंगे अच्छा से। तो हम लोग खूब बहुत खुश हुआ कि चलो ठीक है, कोई तो आके हम लोग का तो हेल्प कर रहा है, तो मेरा खुश हुआ, हम 40,000 रुपया दे दिया वो जो जगह। 40,000 आप किसको दिए? कॉर्पोरेशन को दिए? नहीं कॉर्पोरेशन को नहीं दिया, इसमें कॉर्पोरेशन आया ही भी नहीं, सरकार का कोई मतलब ही नहीं है सर इसमें, कोई मतलब नहीं, वो लोग आके वो कुछ भी नहीं बोला, आया भी नहीं कोई भी कि पुलिस आया कि कुछ कुछ भी नहीं, सब जो मेरा आदमी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से बात किया आज मेरे से, बहुत प्यार से बात किया, मेरे को छोड़ के चला गया, समझ सकते हैं आपका हालात इस वक्त। देखिए जो हालात हो रहे हैं यहाँ पे बात करना ही बहुत कठिन है, आप समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेशन लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई, और 40,000 देने के बाद मेरा दुकान हो गया, हम जाके बोला, हम लोग को एक दिन बुलाया, हम फिर गया बोला दुकान बन गया पैसा दो, हमारा किसका पैसा दो, बोला कि वो दुकान बन गया पैसा दो, हमने तुमको 40,000 रुपया तो हम दे दिया, बोला नहीं 40,000 से कुछ नहीं होगा, आरो 3.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, हम बोला हे भगवान हम कहाँ से 3.5 लाख रुपया दे, मेरा औकात उतना नहीं है, मैं 3.5 लाख रुपया कभी देखा ही नहीं, कहाँ से दे, फिर भी मेरा पति आके बोला बाबू छोड़ दे 3.5 लाख रुपया मेरे पास तो नहीं है छोड़ दे, फिर हम बोला नहीं अगर इतना कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, बाबू घर से पैसा खरीदा उधार लिया सबसे, उधार मेरा भैया से उधार लिया सबसे, मेरा
बगल में रहता है, मेरा कजन है, सबसे पैसा उधार में लिया सब कोई दिया, लेके 3.5 लाख रुपया उसको दे के दुकान लिया और बोल रहा है कि किसी को नहीं बोलना, 40,000 रुपया ही खाता में लिखा है सर, और जो 3.5 लाख रुपया लो नहीं लिखा, बगल से ऐसे ले रहा है, पैसा मेरे से हमको दो, किसी को नहीं बताना, सब कोई पूछ रहा है, मेरा बेटा नहीं है, सबको पॉकेट मार मार के खाता है, सबको जितना है हम लोग का इधर, टीएमसी पार्टी करता है, सब टीएमसी का है, सब टीएमसी का है, सीपीएम भी था, इतना कभी किसी को नहीं दुख दिया था, मैं जमादार मानती हूँ आलोक खटुआ, 1 नंबर, 2 नंबर राकेश हाजरा, भोदू हाजरा, भालू हाजरा के दोनों बेटा, बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा, उन दोनों को मेरा 3.5 लाख रुपया वापस करना पड़ेगा, दुकान भी हमको वापस करना पड़ेगा, और हम तीनों के लिए केस ठोकना चाहते हैं, पर पुलिस मेरा कंप्लेन नहीं लिख रहा है सर। पुलिस आपको क्या बोले, जब पुलिस आपका बात होगा, पुलिस हमको अकेला ले जाके बोल रहा है, पार्टी का लोग भी सब था बुरोदा बोल के, मेरा माथा में हाथ देके बोल रहा बाबू छोड़ दे, क्या करेगा, नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, हम क्यों छोड़ेंगे, मेरा दुनिया में सबसे कीमती चीज चला गया, मैं क्यों छोड़ू, छोड़ के क्या करूँ, अगर मेरा नहीं जाता, मेरा दुकान चल जाता, मैं छोड़ देता, चल दुकान चल गया, मेरा आदमी तो है, मेरा आदमी चला गया, हम आलोक खटुआ के लिए चाहिए विचार, मेरे को चाहिए सर, हम उस आलोक खटुआ, राकेश हाजरा और भोदू हाजरा, इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ममता बनर्जी जो इस बंगाल के मुख्यमंत्री है, उनसे आपका कोई रिक्वेस्ट होगा? नहीं, उनसे हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग बड़ा बड़ा आदमी है, वो लोग थोड़ी ना इधर आएगा, लेकिन वो सब सुन रहा है, सुन तो रहा है जरूर, सुबह से अब तक 20 तो आप लोग मीडिया आ गया, सुबह से 20 दिन के साथ हम बात किए हैं, सुन तो रहा है, हम नमन नमे चले जाएंगे, हम जितना दूर हम चल जाएंगे, लेकिन हम करेंगे, आपको आप लोग को हम हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ कीजिए। क्या करेंगे, अब तो आपके पति चले गए, आपकी एक बेटी है, आगे आपको अपना जिंदगी गुजारना है तो मेरा पैसा भी चाहिए, मेरा दुकान चाहिए, मेरा पैसा भी चाहिए, अगर उन लोग पैसा मेरे को 3.5 लाख रुपया और दुकान मेरे को दे दीजिएगा, वापस दे देंगे, अभी कैसे माफ करें सर, अगर आपके घर में कोई चला जाता है इससे हाथ से, आप माफ कर पाते बोलिए, माफ कर पाते नहीं कर पाते ना, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई का लापरवाही आपको, देखिए ना मीटर घर देखिए, सीएससी को कितना बार फोन कर चुके हैं, यहाँ पे तो अगर ये जलेगा तो पूरा बस्ती जल जाएगा, मीटर घर देखिए, इसका गेट उठ कुछ नहीं है, 1000 बार बोल चुके हैं कर्पूरसर में जाके, इधर एक तो गाज था सर, गाज के लिए 1000 बार बोलते थे, किसी को एक दिन इस बगल वाला घर का बच्चा का खोती हो गया, सबका यहाँ का काउंसिलर लोग जितना भी जो है ना कुछ नहीं करता है सर, पार्टी के लोग से बातचीत आपकी होती होगी, पार्टी का लोग से ही तो बात किया सर, सब लोग मेरा बात को टाल रहे, बोल रहे कि तुम्हारा हस्बैंड तो गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होके मरा, अगर मेरा हस्बैंड जल के मरता तो कोई भी तो शरीर में बदन में एक तो भी छिलका तो रहता है ना, गाय में की छिला आग से जल गया, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, को बचाने की काफी कोशिश की आप, लेकिन हम कैसे बचाते सर, आपके पास कैसे जाओ, वो जो लगा कारण के सामने, अगर आँख होता फिर भी सब जाते, लेकिन वो कारण किस कौन जाएगा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ होकर पूरा सच, कैसे जाऊंगी सर, कैसे जाऊँ, बगल में 2 मिनट का मैं दूर, 2 मिनट में ऐसा हो गया, दो देखिए आप समझ सकते हैं कि हलदार सुबह 9 बजे अपने दुकान में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, और इन लोगों का एक ही आरोप नहीं बल्कि जो हलदार का घर है आप देख सकते हैं यहाँ पे सीएससी के कई लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, फेडर बॉक्स है यहाँ पे, ये फेडर बॉक्स यहाँ पे खुला है इस तरह से, तो कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई को बार बार जानकारी देने के बाद भी कोई उनके तरफ से कदम नहीं उठा सकता है।